12 राजकुमारियों की कहानी में पार्ट वन में हम सुने थे जब बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया था और 3 बार ताली बजाई थी। ताली बजाते ही वहाँ की ज़मीन एक और खिसक गई थी। वो एक गुप्त मार्ग था जहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी राजकुमारियाँ एक एक करके उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों में नीचे उतरने लगे। युवक भी उनके पीछे पीछे चला गया। सीढ़ियाँ ख़त्म होने पर एक घनाघन जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियाँ सुनहरी थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियाँ एक झील के किनारे पहुँची जहाँ 12 नाव में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियाँ एक एक नाव में बैठ गई। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियाँ नदी पार करने लगे। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हुआ। वो जब बड़ी राजकुमारी को ये बोली फिर बड़ी राजकुमार ने बोली, लगता है आज वो नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियाँ राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत गूंज रही थी। राजकुमारियाँ महल के अंदर चली गई। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहाँ उसने देखा कि कई युवक और युवतियाँ एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियाँ भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। युवक को अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ आ चुका था। वो एक किनारे पर खड़ा होकर सबको नृत्य करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्षे के एक किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डालने लगी। इस समय सबसे छोटी राजकुमारी की नज़र उस पर चली आई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते देख लिया। ये देख वो डर गई। वो सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और ये बात बताई तो वो बोली, लगता है तुम आज खुली आंख से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई। इधर युवक ने वहाँ रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियाँ रात भर नृत्य करती रही। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर गुप्त मार्ग के द्वारा अपने शयन कक्ष में आ गई। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। कुछ देर में ही राजा का बुलावा आ गया। जब वो दरबार पहुंचा तो 12 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थी। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाया? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांसें ले लो। युवक बोला, महाराज मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। और उसने रात की पूरी घटना राजा को बता दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया हुआ सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि वो किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करा दिया। इस तरह अपनी नेक दिल और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया।